Assalamu alaikum dear student, good morning, stay home, save lives. Here we mention the diary of 19 May 2020 and the diary is English A, unit number 5, page number 41, 42, 44, book work. So open your book. क्लास फाइव, आप लोगों को जो नोट्स में पेजेस मेंशन किए गए हैं वो गलत मेंशन किए गए हैं. जो आपको 41 पेज बताया गया वो 37 है. 37 में आपकी है कंप्लीट दिस सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन द स्पेस विद सूटेबल वर्ड्स. आप लोगों ने फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है. नंबर वन है पाकिस्तान केम इन टू बींग ऑन डैश 1947. पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? On 14 अगस्त 1947. नंबर टू, कायद आज़म इज़ द डैश ऑफ पाकिस्तान. कायद आज़म पाकिस्तान के क्या हैं? बानी यानी कि फाउंडर, बनाने वाले. नंबर थ्री, द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज़ डैश. पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? जसमाइन यानी चंबेली का. नंबर फोर, द कंट्रीज इकॉनमी डिपेंड ऑन डैश. मुल्क की मईशत किस पर इन्हसार करती है? एग्रीकल्चर, ज़रात पर. नंबर फाइव, के टू इज डैश मीटर हाई. के टू कितने मीटर हाई ऊंचा है? के टू पहाड़ कितने मीटर ऊंचा है? 8611. नंबर सिक्स, अफ़गानिस्तान इज सिचुएटेड इन द डैश ऑफ पाकिस्तान. अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के कहाँ पर वाकया है? वेस्ट यानी मगरिब में. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन. इन डैश पाकिस्तान सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स न्यूक्लियर प्रोजेक्ट एंड बिकेम द सेवंथ न्यूक्लियर पावर ऑफ द वर्ल्ड. पाकिस्तान ने कब कामयाबी तौर पर अपना जौहरी मंसूबा लॉन्च्ड किया और दुनिया का सातवां जौहरी ताकत याफ्ता मुल्क बना? कौन से सन में? यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन भी गलत दिए गए हैं. नंबर वन पर आप लगा लें 1975 और इसका करेक्ट ऑप्शन भी 1975 है, जो कि आप लोगों को ऑप्शन में नहीं दिया गया. नंबर टू, पाकिस्तान इज डैश इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अमंग द मुस्लिम कंट्रीज. पाकिस्तान है डैश इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एटमी ताकत में अमंग द मुस्लिम कंट्रीज, मुस्लिम ममालिक के दरमियान. पाकिस्तान कौन से नंबर में है? पायनियर, पहले. नंबर थ्री, पाकिस्तान है सम ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड लाइक डैश एंड नांगा पर्वत. पाकिस्तान की ऊंची चोटियां हैं, चोटी है दुनिया में पाकिस्तान की ऊंची चोटी है जैसे कि डैश एंड नांगा पर्वत. कौन कौन सी? एक नांगा पर्वत है, दूसरी केटू. नंबर फोर, डैश इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के जनूब में है. करेक्ट ऑप्शन इज द अरेबियन सी. नंबर फाइव, पाकिस्तान हैज़ डैश प्रोविंसेस. पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? द करेक्ट ऑप्शन इज फोर. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पेज. Draw line to join each of subject pronoun to the object pronoun that matches. The first has been done for you. I के लिए हम use करते हैं me, he के लिए him, और यहाँ पर आपका है it के लिए it, she के लिए her, they के लिए them, you के लिए you, we के लिए us. आप लोगों ने इनको इसी तरह मैच करना है. अब नीचे आप लोगों को फिल इन दी ब्लैंक्स दी गई हैं, आपने इसी के अकॉर्डिंगली इन फिल इन दी ब्लैंक्स को फिल करना है. नंबर वन है सीरत इज नॉट वेल, फादर इज टेकिंग डैश टू अ डॉक्टर. सीरत लड़की है, उसके लिए हर यूज होगा. नेक्स्ट है माई ब्रदर इज अ टीचर, डैश टीच इज इंग्लिश. ब्रदर लड़का है, उसके लिए ही यूज होगा. अली हिज स्टूडेंट लाइक, अब हिज है तो हिज के लिए हिम यूज होगा. यहाँ पर दोज है, दोज के लिए दे यूज होगा. हिज मदर इज अ डॉक्टर, मदर औरत हैं तो उनके लिए शी यूज होगा. शी वर्क्स इन अ हॉस्पिटल. मे डैश बोरो योर पेन.
अब योर है तो यू यूज होगा. यस ऑफ कोर्स, हाँ यकीनन. व्हेन कैन यू रिटर्न इट टू मी, तुम कब इसे मुझे वापस करोगे. नेक्स्ट है व्हाट आर डैश रीडिंग फातिमा, व्हाट आर यू रीडिंग फातिमा, तुम क्या पढ़ रही हो फातिमा. यहाँ पर आपकी इंग्लिश ए की डायरी खत्म होती है. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट डायरी ऑफ इस्लामियात. इस्लामियात की हमारी डायरी है रोजे का तारुफ अहमियत बुक पर करना है. आप लोगों को ये एज इट इज नोट पे सारा बताया गया है, आपने नोट से देखकर रोजे का तारुफ और अहमियत बुक वर्क में करनी है. ठीक है, आपकी नेक्स्ट डायरी है मैथ्स की प्रैक्टिस शीट 5 क्वेश्चन 8-9 फॉर होमवर्क. सो ओपन योर प्रैक्टिस शीट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द एलसीएम ऑफ दीस पेयर्स ऑफ नंबर्स. हमारे पास यहाँ पे ए पार्ट गिवन है, यहाँ पे हमें नंबर्स गिवन है, इनका हमने एलसीएम फाइंड करना है. यहाँ पे हमें कुछ पेयर्स गिवन है, हमने इनका कॉमन फैक्टर हमने इनके बनाने हैं. यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर है 2 × 2 × यहाँ पे हमारे पास 3 कॉमन फैक्टर है. यहाँ से हम इसका नॉन कॉमन फैक्टर पहले हम यहाँ से इसके निकालते हैं. हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर 8 ही है 2, और एचसीएफ हम इसका लेंगे. इसके कॉमन फैक्टर हमारे पास गिवन है 2 × 2 × 3. इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12. एचसीएफ हमारे पास आ गया 12. अब नेक्स्ट हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे. एलसीएम इक्वल टू एलसीएम का फार्मूला हमारे पास गिवन होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर एनसीएफ होता है. हमारे पास एचसीएफ गिवन है 12 मल्टीप्लाई इसके नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास गिवन है यहाँ पे 2, 12 × 2 = 24. ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड द एलसीएम ऑफ दीस सेट्स. हमारे पास कुछ सेट्स गिवन है, हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है. प्राइम फैक्टर्स के जरिए हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे. हमारे पास 9, 18 और 21. हम सबसे पहले छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं. 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, 7 × 7. हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे. 9 के फैक्टर्स हमारे पास 3 × 3, इसके पेयर हमारे पास आ गए 18 के 3 × 3 × 2 = 21 के हमारे पास है 3 × 7. कॉमन फैक्टर हम इसके निकाल लेते हैं. हमारे पास यहाँ कॉमन फैक्टर में 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया. अब नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास एनसीएफ हमारे पास गिवन है 2 × 7 और एचसीएफ अब हम इसका फाइंड करेंगे. तो एचसीएफ हमारे पास फैक्टर्स आ गए 3 × 3 = 9. इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एचसीएफ आ गया. नेक्स्ट हम एलसीएम फाइंड करेंगे. एलसीएम इक्वल टू नॉन कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई एचसीएफ. नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास गिवन थे 2 × 7 और एचसीएफ हमारे पास गिवन है 9. 2 × 7 = 9. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. 7 × 2 = 14, 14 × 9 = 126. ये हमारे पास एलसीएम आ गया. टू डेज डायरी एंड